गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने लेसन नंबर 5 फाइंड योर स्वीट्स का न्यू वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर हमने कर लिया था, से लॉडली भी हमने कर लिया, लेट्स टॉक भी हमने कर लिया, अब हम 5th शब्द भंडारण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पे ए फिल इन द मिसिंग लेटर, हमको यहाँ पे कुछ लेटर दिए हुए हैं और कुछ लेटर इसमें मिसिंग है, जिसमें हमको जो लेटर मिसिंग है उसको लिखना है। तो देखिए, पहला क्या दिया है, वाई, और यहाँ पे ओ और यू मिसिंग है, एन जी ई आर, तो ये होगा यंगर, वाई ओ यू एन जी ई आर, यंगर मतलब जवान। सेकंड है बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, है ना। तीसरा है अलमीरा, तो ए एल एम दिया है, आई आर ए एच आई और ए को हमने लिखा, अलमीरा मीन्स होता है अलमारी। फोर्थ है एम ई डबल एस ए जी ई मैसेज, मैसेज मीन्स होता है संदेश। पांचवा है डब्लू आई एन डी ओ डब्लू विंडो, विंडो मीन्स होता है खिड़की। तो हमको यहाँ पे कुछ मिसिंग लेटर है, उस मिसिंग लेटर को लिख कर हमको एक वर्ड बनाना है। जो बी नंबर का क्वेश्चन है, वेयर डू यू फाइंड देम, चूज फ्रॉम द वर्ड, मतलब यहाँ पे कुछ हमको वर्ड दिया हुआ है और वो कहाँ पाया जाता है उसके बारे में हमको यहाँ लिखना है। जैसे फर्स्ट में दिया अलमीरा, तो अलमीरा में हम क्या रखते हैं, यहाँ से छाटेंगे, देखिए क्लोथ्स, अलमीरा में हम क्लोथ्स रखते हैं। सेकंड है मोबाइल, मोबाइल में क्या रखा जाता है, एसएमएस और मैसेजेस, ठीक है। बुक शेल्फ, बुक शेल्फ में हम क्या रखते हैं, बुक्स रखते हैं। विंडोज़ में हम क्या लगाते हैं, कर्टन्स लगाते हैं, जो हम पर्दे लगाते हैं उसे कर्टन बोलते हैं। किचन में हम क्या रखते हैं, कप एंड स्पूंस, मतलब जो चीज़ों की जो जोड़ी है, जिसका जो यूज़ होता है उसको हमको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद सेकंड है स्ट्रक्चर इन कंटेंट्स, स्ट्रक्चर इन कंटेंट्स, ए नंबर शॉर्ट आउट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द लेसन एंड राइट देम इन योर नोट बुक, पार्ट में दिए गए जानकारियों को छोड़कर अपने कॉपी में लिखो, सॉरी पार्ट में दिए गए जानकारियों को छाट कर अपने कॉपी में लिखो, है ना। जैसे एग्जांपल दिया है, हेल्प मी टू फाइंड इट, उसे ढूंढो, उसे ढूंढने में मेरी सहायता करो। बी राइट योर शॉर्ट रिस्पॉन्स व्हेन समवन आस्क यू, राइट योर शॉर्ट रिस्पॉन्स व्हेन समवन, किसी के पूछे गए सवालों पर छोटे उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे क्या दिखा होगा, विल यू सिंग अ सॉन्ग, तो यस आई विल या नो आई वॉन्ट। सेकेंड है कैन यू स्पीक हिंदी, यस आई कैन नो आई कांट, मतलब मैं हिंदी बोल सकता हूँ, नहीं मैं हिंदी नहीं बोल सकता। डू यू लर्न इंग्लिश, यस आई डू नो आई डोंट। हैव यू सीन द मूवी, यस आई हैव नो आई हैवेंट। इज दिस योर स्कूल, यस दिस इज, नो दिस इजंट। आर यू गोइंग टू द मार्केट, यस आई एम, नो आई एम नॉट। देखिए सी नंबर का जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशंस। पहला दिया, देखो मोनाज मदर वॉज ब्लैंक इन द ब्लैंक द किचन, है ना। तो यहाँ पे मोना की माँ किचन में है, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, मोना मदर वॉज इन द किचन। सेकेंड है रानी वॉज स्टैंडिंग ब्लैंक हर हाउस, तो रानी वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर हाउस,
हाइड योर सेल्फ बिहाइंड द डोर, बिहाइंड द डोर है ना, हमको हाइड करना मतलब छिपना है, तो हम कहाँ छुपेंगे, बिहाइंड द छुपेंगे। फोर्थ है लुक फॉर योर शर्ट ब्लैंक इन कपबोर्ड, तो इन कपबोर्ड आएगा, लुक फॉर योर शर्ट इन द कपबोर्ड। लास्ट है आई सॉ अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट ऑन द टेबल, यहाँ पे आएगा ऑन द टेबल। उसके बाद डी नंबर है एड अ वर्ड वर्ड्स टू कम एंड मेक अ सेंटेंस, एन एग्जाम्पल इज डन फॉर यू विथ अ वर्ब गो। तो देखिए यहाँ पे सेंटर में जो सर्कल बना है उसके बाद आजू बाजू जो सर्कल बने हुए हैं उसमें सेंटर में लिखा है गो, तो हमको गो और इस सबको जोड़ते जाना है, जैसे गो आउट, गो अलोन, गो फास्ट, गो स्ट्रेंथ, गो टू हिम, गो विथ हिम, गो इनसाइड, गो देयर, ऐसे करके हमको शब्द इसमें बनाने हैं। मेक डिफरेंट इंटेंशन यूज टू द वर्ब कम, तो जैसे हमने पीछे गो से बनाया था वैसी सेम प्रोसीजर हमको यहाँ पे करना है ना। तो जैसे यहाँ पे दिया है कम, तो देखिए कम ऑन, कम स्ट्रेंथ, कम इन, कम आउट, कम डाउन, कम हियर, कम इनसाइड, इनसाइड कम फास्ट। तो हमने कम से कुछ शब्दों को जोड़कर ये शब्द बनाया और उन्हें यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आठवा है फन टाइम, रीड केयरफुली एंड कलर। पहला है कलर द फर्स्ट स्कूप येलो, तो देखिए फर्स्ट स्कूप जो है उसको हमको क्या करना है, येलो करना है। सेकंड स्कूप जो है उसको ब्लू करना है। थर्ड स्कूप है उसको रेड करना है। फोर्थ स्कूप है उसको क्या करना है, ग्रीन करना है। फिफ्थ स्कूप को हमको क्या करना है, पिंक कलर करना है। और ये जो कोन है इसको ब्राउन कलर करना है। ये आप अपने बुक में कर सकते हैं। थैंक यू।